बरसात या सर्दी के समय शाम को अगर एक ऐसा स्नैक्स हो जो बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से मेल्टेड चीजी हो, मतलब क्रंचीनेस और चीजीनेस का परफेक्ट मेल, तो कैसा होगा? आज ऐसा ही एक रेसिपी हम बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बाय द वे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू भालोबेशी रान्ना। और आज हमारी रेसिपी है पोटैटो चीज बॉल। तो पोटैटो चीज बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं पोटैटो यानी आलू। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू को छीलकर अच्छी तरह से धोकर फिर प्रेशर कुकर में 3 सीटी आने तक इसे उबाल लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल भी उबाल सकते हो, नमक देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप इसे उबाल लेना। फिर एक ग्रेटर की मदद से इसे हमें बहुत अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। आप चाहे तो नॉर्मली मैश भी कर सकते हो, लेकिन कद्दूकस करने से जब हम बॉल बनाएंगे ना तो परफेक्टली शेप आएगा उसका। फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और हम डालेंगे ऑरिगेनो। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच के करीब ऑरिगेनो, फिर 1/2 चम्मच चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्वाद अनुसार मैंने ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक डाला है और 1/2 कप ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए, और फिर 1 चीज क्यूब जो अमूल का आता है उसे हमने ग्रेट करके यहाँ पे डाला है। आप कोई सा भी चीज क्यूब ले सकते हो, बस आपको यहाँ पे चीज जरूर डालना है। फिर इन सब को हमें हाथों की मदद से एक आटे जैसा गूंद लेना है। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही हम इसे गूंद लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स डाला है तो ये बहुत अच्छी तरह से एक डोके जैसा हो जाएगा, और अगर आपको थोड़ी सी और ब्रेड क्रम्स की जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे जरूर डाल। फिर उसको हम 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। और फिर एक बोल में हम ले लेंगे 4 चम्मच मैदा, और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें एक घोल रेडी कर लेना है। जो बैटर हम रेडी करेंगे वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा, एक मीडियम थिकनेस का बनाएंगे। फिर उसमें हम थोड़ा सा काला नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिला के इसको भी हम साइड में रख लेंगे। अब हमें लेने हैं ब्रेड क्रम्स, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है। जो मार्केट वाला ब्रेड स्लाइस आता है ना, उसे आपको तवा पे थोड़ा सा सेक कर मिक्सी में घुमा लेना है, तो हमारा ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इसमें भी हम थोड़ा सा काला नमक मिला के रख देंगे। तो अब हमें लेने हैं चीज क्यूब। तो अमूल का जो चीज क्यूब का पैकेट आता है छोटा वाला, उसको लेके मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। अब हम बॉल्स को रेडी कर लेंगे। तो जो हमने डो बनाया था उससे हमें थोड़ा थोड़ा डो ले लेना है, और फिर इसको हम ऐसे करके मिडिल से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। मिडिल से थोड़ा सा फ्लैट करने के बाद इसमें हम एक चीज क्यूब को डालेंगे और फिर इसे बहुत अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम चीज को अंदर डाल के फिर इसका बॉल बनाएंगे तो हम बहुत ज्यादा प्रेस करके यानी बहुत ज्यादा टाइट बॉल नहीं बनाएंगे। इसे हल्के हाथों से बनाएंगे, क्योंकि अगर अंदर थोड़ी सी जगह बची रहेगी तो जब चीज मेल्ट होगी ना तो वो अंदर ही रहेगी, मतलब हीट की वजह से हमारी बॉल टूटेगी नहीं, तो वो देखने में भी और खाने में भी परफेक्ट रहेगी। क्योंकि अगर चीज़ अंदर से निकल जाएगी तो फिर आप देखोगे कि बॉल खाने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए बहुत हल्के हाथों से हम इसको शेप दे देंगे। ऐसे ही हम सारे पोटैटो बॉल्स को रेडी कर लेंगे। मैंने तो यहाँ पे मीडियम साइज़ का बॉल प्रिपेयर किया है, तो आप इससे छोटा चाहो तो बना सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बड़ा बनाओ तो ही अच्छा। अब हम इसे ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। तो इसके लिए देखो, बॉल्स को पहले हमें जो मैदा वाला सलरी हमने बनाया था उसमें हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। फिर इसे हम डाल देंगे हमारे ब्रेड क्रम्स पे, और इसको हमने ऐसे करके बहुत अच्छी तरह से कोट कर लेने हैं ब्रेड क्रम्स। फिर इसे हम डालेंगे हमारे मैदे वाले बैटर में, और फिर ब्रेड क्रम्स का एक फाइनल कोट हम दे देंगे। तो इस प्रोसेस को 2 बार करने से क्या होगा, जो हमारी कोटिंग है वो बहुत परफेक्ट बनेगी, और जब आप इसे फ्राई करोगे तो ये बहुत क्रंची भी बनेगी। तो इस प्रोसेस को हमें 2 बार ही करना है। तो ऐसे करके हम सारे बॉल्स को रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं फिर एक बार बोल रही हूँ आपको, एक बार आपको पहले जो हमारे मैदे वाले घोल थे उसमें आपको डिप करना है, फिर हम उसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, फिर हम इसको दोबारा से हमारा जो मैदा वाला घोल है उसमें डालेंगे, और फाइनली हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमारे सारे बॉल्स को हम रेडी कर लेंगे, और इसे आप ऐसे ही एयर टाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 वीक के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तब आप इसे फ्राई कर लेना। तो फ्राई करने के लिए देखो, कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल डालना है हमें, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो इसको डाल के फिर एक साइड से आपको 2 से 3 मिनट ही लगेगा, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है, ना तो आपको लो फ्लेम पे ना तो आपको हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही
फ्राई कर लेना। तो फिर और क्या, हमारी टेस्टी टेस्टी जो पोटैटो बॉल है वो बिल्कुल रेडी है। तो देखिए इसका शेप कितना परफेक्ट बना है, ये इतना क्रंची बनता है तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप इसे एक बार ज़रूर घर पे बनाइए और फिर हमें कमेंट में आके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए।